उम्र अय्यार। कोई तीस भी दुनिया की कहानी सुना मत, कोई काफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी। You really don't know who you are। सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी इसरारियत का हसीन इम्तिजाज। एक ताकतवर फ्रीक को हाजिर करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्र अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गवाइएगा। अय्यारों तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए तू पंजाबी दी खबरां दे नाल मैं अनादिया राजपूत। अली अमीन गंडापुर ते असद कैसर दा वाद चौधरी तू राबता तस्दीक भी हो गई। एक साबिक क्रिकेटर ने वड्डी मेहनत तू बेहतरी लई तफसीली रिपोर्ट दित्ती है मोहसिन नकवी। बाबर ते रिजवान बैटिंग अंदाज बदलन या ड्रॉप होण लई तैयार रहण राशिद लतीफ। शाहरुख खान दी गोद च नहीं बैठना चाहती ऐश्वर्या दी गोद च बहना है। फिल्म देवदास दी शूटिंग दे दौरान शर्मीन सहगल दी अनोखी जिद। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमावां ने फवाद चौधरी तू राबते किए ने। जराए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ते असद कैसर ने फवाद चौधरी तू राबता किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फवाद चौधरी तू पार्टी ते तनकीद न करन दी दरख्वास्त की है। के पी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने फवाद चौधरी तू गलत फहमियां दूर करन दा भी कहा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने फवाद चौधरी तू राबते की तस्दीक करदे होया कहा कि मैं फवाद चौधरी ते तमाम रहनुमावां नूं पैगाम दिता है कि वक्ती तौर ते खामोश रहण। असद कैसर दा भी यह कहना है कि पार्टी छोड़न वाले सब रहनुमावां नूं यही कहना कि वह तनकीद ना करन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम विच सर्जरी होण तक क्यों नहीं हुई? सर्जरी कद तक होवेगी ते किवें होवेगी? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दस दिता। लाहौर च मीडिया तो गैर रस्मी गुफ्तगु करदे होया मोहसिन नकवी ने कहा कि लोग सर्जरी का पूछ रहे हैं, कभी कोई फैसला गुस्से च नहीं करते, जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसानदेह होंगे ने। तो मोहसिन नकवी का कहना है कि हैड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट उन्होंने वर्ल्ड कप कारकरदगी तो मुतलिक तफसीली दस्या है। गैरी क्रिस्टन ते अजहर महमूद ने गलबात लई बुला लिया। उन्होंने कहा कि साबिक क्रिकेटर्स तू राबते चां ते क्रिकेट की बेहतरी लई मशवरे लै रहे हैं। इन्होंने साबिक क्रिकेटर्स के नाल राबते चां ते जड़ा क्रिकेट नू बेहतर करना जानते ने तो साबिक क्रिकेटर्स मामलात वेखणगे जिन्हों की रोजी रोटी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स से बोलना नहीं है। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि एक साबिक क्रिकेटर ने वड्डी मेहनत तू बेहतरी लई तफसीली रिपोर्ट दित्ती है। मैनू आए हुए चार महीने हुए ने, इत्थे बहुत कुछ ठीक होने वाला है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट वेख के फैसले करदा हाँ ना करांगा। पीसीबी सोशल मीडिया पोस्ट तो ना चल रहा है ते ना चलन देवांगे। दिन च पीसीबी या मेरे खिलाफ चार चार पोस्ट करन कोई फर्क नहीं पैंदा। इन्हां दा कहना थी कि सब तो वड्डा टारगेट ये कि कौमी टीम की मनफी कारकरदगी नूं बेहतर किवें कीता जाए ते जिस दिहाड़े मैं प्रैशर च आया बेहतर समझांगा कि घर चला जावां। क्रिकेट ते पीसीबी नूं बेहतर बनाउण दी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तामुल दे नाल चीज़ां नूं वेख रहे हैं। पीसीबी दे अंदर मामलात नूं बेहतर करना भी एक चैलेंज है। पीसीबी दे अंदर लोग दिखांदे कुछ ने ते ग्राउंड विच सच्चाई कुछ होर होंदी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने बाबर आजम ते मुहम्मद रिजवान नूं खबरदार करदे होया कहा कि अपनी बैटिंग दा अंदाज बदलन या T20 टीम टू ड्रॉप होण लई तैयार रहण। अपने यूट्यूब चैनल से गलबात करदे होया राशिद लतीफ ने कहा कि बाबर आजम ते मुहम्मद रिजवान नूं भारत दे स्टार प्लेयर्स विराट कोहली ते रोहित शर्मा तो सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ते विराट कोहली ने अपने बैटिंग दे अंदाज नूं बहुत बदलिया है। रोहित ने अपने आप नूं 190 डिग्री बदल लिया है ते तब्दीली मुमकिन है। इसकी मिसाल ये दोए बैटर्स ने। राशिद लतीफ का कहना है कि IPL च इन्हों का स्ट्राइक रेट 130 तो 140 के दरमियान से तम इस तू 160 तक पहुँच गया। जब ये दोए अपने आप के स्टाइल नूं नहीं बदल सकते तो कोई भी बदल नहीं सकता। साबिक कप्तान ने कहा कि मैं बाबर आजम ते मुहम्मद रिजवान नूं T20 च अपनी बैटिंग अंदाज नूं तब्दील करन लई 5 मैच देवांगा। अगर वह इंज नहीं करनगे तो उन्हां लई टीम विच कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हां दा यह भी कहना है कि बाबर आजम की सब तो वड्डी गलती दोबारा कप्तानी कबूल करना सी। अगर वह कप्तानी जारी रखते हैं तो उन्हां दी इस तो भी वड्डी कोई गलती नहीं होगी।
बॉलीवुड की अदाकारा शर्मीन सहगल ने इतराफ किया कि फिल्म देवदास की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के बजाय ऐश्वर्या राय की गोद च बहन लई जिद कर रही सन। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से शर्मीन सहगल के एक पुराने इंटरव्यू का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा, जिस अपने बचपन के दिहाड़िया याद कर रही ने। उन्होंने दसिया कि संजय लीला भंसाली की भांजी होने की वजह तो उन्होंने फिल्म देवदास के सैट से जाने का मौका मिलया। अदाकारा के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के वेले वह सिर्फ चार वर्ष दियां सन, फिल्म के सैट से हर वक्त घूमदियां तमाम चीज़ों को छेड़दियां रहिंदियां सन। शर्मीन सहगल के मुताबिक वह अपने मामू तो हर वेले सिर्फ यही जिद करदियां सन कि उन्होंने ऐश्वर्या की गोद च बहना है, तो जब उन्होंने शाहरुख खान की गोद च बहन की पेशकश की जाती तो इनकार कर देंदियां सन कि नहीं, मैं सिर्फ ऐश्वर्या चाहती है, मैं शाहरुख खान की गोद च नहीं बैठना चाहती, मैं सिर्फ ऐश्वर्या की गोद च बहना चाहती हाँ। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ज्यों ही शर्मीन सहगल का मस्कूरा वीडियो क्लिप वायरल होया, सरफीन का एक बार फिर उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐश्वर्या तो शाहरुख खान को फिल्म सैट से वेख के भी इन्होंने कोई नसीहत नहीं पकड़ी, तो फिर भी अदाकारी करना नहीं सीखियां, तो कई सरफीन इन्हों की जिद ते हैरानगी का भी इजहार कर रही ने। तो ख्याल रवे कि अदाकार ने हाल ही ही रिलीज़ होने वाली नैटफ्लिक्स सीरीज़ हीरा मंडी च आलमजेब का मरकजी किरदार निभाया सी, जिसकी अदायतकारी संजय लीला भंसाली ने की सी। देसी टीवी यूएसए तो फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों से अपडेट्स लिए साढ़े नाल रहो तो वेखते रहो देसी टीवी यूएसए, डी टीवी एनएन, देसी स्पोर्ट्स ते साडा ओटीटी प्लेटफॉर्म डी टीवी फ्लिक्स, जितने 3000 तो ज्यादा चैनल्स नू वेख्या जा सकता है। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लगा के हुकूमत चलेगी।